दिस इज गौसल एंड वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, यानी कि यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस लेकर के आए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला जो ईडियम है वो है बैग एंड पैकेज। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, कई बार ये आपका ईडियम आया है बैग एंड पैकेज। अब ईडियम्स क्या होते हैं कि जो वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं उनका वो अर्थ नहीं निकलेगा जो आप हिंदी में मीनिंग्स के निकालेंगे, ठीक है ना। तो बैग एंड बैगेज मीन्स होता है विद एवरीथिंग, यानी हर चीज़ के साथ, यानी हिंदी में बोले तो पूरे सामान के साथ। बैग एंड बैगेज मीन्स पूरे सामान के साथ। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ही केम टू माई हाउस, वह मेरे घर आया टू स्टे, रुकने के लिए या ठहरने के लिए, विद मी मेरे साथ, यानी वह मेरे साथ मेरे घर आया ठहरने के लिए, कैसे, बैग एंड बैगेज, यानी पूरा सामान लेकर के, पूरे सामान के साथ वह आया। तो कहने का मतलब यहाँ पर बैग का मतलब या बैगेज का मतलब आप थैले से ना निकालें, क्योंकि बैग एंड बैगेज पूरा फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट है टू बीट ब्लैक एंड वाइट। टू बीट ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है टू बीट टू मच, यानी बहुत ज़्यादा किसी को पीटना, तो वो कहलाता है टू बीट ब्लैक एंड वाइट। ओके, एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल है हमारा, फादर बीट हिज सन, पिताजी ने अपने लड़के को पीटा, ब्लैक एंड वाइट फॉर हिज मिस बिहेवियर, यानी उसके दुर्व्यवहार के लिए, बुरे व्यवहार के लिए पिताजी ने अपने लड़के को किस तरह से पीटा, बहुत अधिक पीटा। तो यहाँ पर जो बीट ब्लैक एंड वाइट है, इसका मीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा पीटना, ये अर्थ इसका होगा। और ये नेक्स्ट है साउंड एज ए वेल। साउंड एज ए वेल का मतलब यहाँ किसी घंटी से या साउंड से अर्थ नहीं है, इसका मीन्स मिलेगा इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, यानी बहुत अच्छी सेहत होना है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य होना, उसके लिए ईडियम है आपका साउंड एज ए वेल। एंड साउंड एज ए वेल के एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्पाइट ओल्ड एज, यानी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी ही इज स्टिल साउंड एज ए वेल, यानी कि वह अभी भी कैसा है, बहुत ही हेल्दी, यानी उसकी सेहत कैसी है, अच्छी है। नेक्स्ट ईडियम वो है टू बी ब्लाइंड टू। टू बी ब्लाइंड टू मतलब होता है अनजान होना या किसी बात को अनदेखा करना। याद रखिए कि जो ब्लाइंड है, ब्लाइंड वर्ड के बाद दो प्रपोजिशन आते हैं, ब्लाइंड टू एंड आपका सेकंड है ब्लाइंड ऑफ, ठीक है, ब्लाइंड टू होता है और ब्लाइंड ऑफ होता है। अब ब्लाइंड टू मीन्स होता है आप अनदेखा करना, अनदेखा करना, यानी कोई व्यक्ति गलती कर रहा है आप उसको नज़रअंदाज कर दें तो वो होता है ब्लाइंड टू। और ब्लाइंड का मतलब जब आँख के अंधे होने से हो, आँख से दिखाई नहीं देता है, तो प्रपोजिशन यूज होता है ब्लाइंड ऑफ, ठीक है, इस बात को याद रखना है, दोनों सिचुएशन में डिफरेंट प्रपोजिशन आते हैं। तो टू बी ब्लाइंड टू मीन्स होता है टू बी इग्नोरेंट ऑफ, यानी किसी चीज़ से अनजान होना। एग्जाम्पल देखें, ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स एक्टिविटीज, यानी जो है अपने पुत्र की एक्टिविटीज को क्या करता है, वो अनजान है या अनदेखा कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा नया ईडियम ब्लड एंड थंडर। एंड ब्लड एंड थंडर मीन्स होता है वॉयलेंट एक्शन, बहुत ही हिंसात्मक कोई कार्य होता है उसे वो कहलाता है ब्लड एंड थंडर। यानी किसी भी सेंटेंस में आप जब भी ब्लड एंड थंडर फ्रेज को ऐड कर देंगे, ईडियम को ऐड कर देंगे, तो उसका अर्थ वॉयलेंट एक्शन से होगा। जैसे ही ऑलवेज लव्स मूवीज, यानी वह हमेशा ऐसी मूवीज पसंद करता है डिफिटिंग, जिनमें क्या हो, ब्लड एंड थंडर, सो यानी कि वॉयलेंट एक्शंस हो, ऐसी मूवी वह पसंद करता है। तो यहाँ पर ब्लड का मतलब ब्लड खून, और थंडर, थंडर मीन्स होता है बादलों की गड़गड़ाहट, इनसे नहीं हो रहा बल्कि सिंपल सा वॉयलेंट एक्शन से होगा। नेक्स्ट ईडियम है वो है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मीन्स होता है कि अपनी बड़ाई अपने ही मुंह करना, यानी कि हिंदी में बोले अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो उसे हम कहते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी कि सेठी मारना, बूस्ट, ठीक है ना। एग्जांपल देखें तो ब्लोइंग वंस ऑन ट्रम्पेट ऑल द टाइम, हर समय अपनी ही बड़ाई करना, इज नॉट ए गुड हैबिट, ये अच्छी आदत नहीं है, एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मीन्स क्या है, सेठी मारना या अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, ये अर्थ इसका निकलेगा।
नेक्स्ट है बॉडी एंड सॉल। बॉडी एंड सॉल का मतलब होता है कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह से, पूर्णता। बॉडी एंड सॉल, जैसे एग्जाम्पल देखें, ही डिवोटेड हिमसेल्फ बॉडी एंड सॉल टू क्लियर हिज एग्जाम, यानी जो हुआ है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरी तरह से डिवोटेड है, यानी वो अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरी तरह से कम्प्लीटली क्या है, वो डिवोटेड है उसमें। ओके, नेक्स्ट बाई लीप्स एंड बाउंस। बाई लीप्स एंड बाउंस मीन्स होता है बहुत तेजी से, है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड से। बाई लीप्स एंड बाउंस मीन्स वेरी रैपिडली, यानी बहुत तेजी से। एंड एग्जाम्पल देखें तो ही मेड प्रोग्रेस, उसने प्रोग्रेस की है बाई लीप्स एंड बाउंड, यानी बहुत उसने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की है। ये अर्थ हो रहा है इन ईडियम्स का। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको क्या लगा कमेंट करके बता दीजिए नीचे। पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।